दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में ये बात ज़रूर आई होगी कि कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ऐसा क्या होता है उसके अंदर जिसमें हमारा ढेर सारा डाटा स्टोर रहता है। उसमें 1 TB, 2 TB या 320 GB का ऐसा क्या आखिर मेटल रहता है या क्या आखिर इसमें ऐसी चिप रहती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर रहता है। तो चलिए आज आपको एक हार्ड डिस्क को मैं खोल के बताऊँगा कि आखिर इसके अंदर होता क्या है और इसमें कौन सी जगह पर डाटा स्टोर रहता है। तो इसी विषय पर आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके दाहिने हाथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप पर जो हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ हम करते हैं वह ज़्यादातर WT कंपनी, जिसे हम वेस्टर्न डिजिटल करके भी जानते हैं, उस कंपनी की हमें ज़्यादातर अवेलेबल होती है। दोस्तों, वो इसीलिए क्योंकि यह काफ़ी चीप प्राइस में हमें मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम 1 TB की अगर ये हार्ड डिस्क ड्राइव भी हम परचेस करते हैं, कम से कम ये हमें 2 से 3 हज़ार के आसपास में मिल जाती है। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो WT कंपनी की आप हार्ड डिस्क ड्राइव देखते हैं वह अलग अलग कलर में अवेलेबल होती है, जैसे रेड, ब्लू और ग्रीन, ब्लैक। तो दोस्तों, इनके भी अलग अलग यूजेस होते हैं। तो दोस्तों, जो ब्लू कलर होता है वह सेकेंड नंबर की थोड़ा अच्छी मानी जाती है और जो बेस्ट क्वालिटी की होती है वह पर्पल या रेड होती है, क्योंकि उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इसको हम इसकी स्पीड को RPM में नापा जाता है, जिसे हम राउंड पर मिनट के हिसाब से भी जानते हैं। इसमें लिखा होता है दोस्तों, इसके जो टॉप स्पीड लिखी होती है इसमें लिखी, जो कि 5200, जिसका RPM स्पीड टॉप स्पीड होती है, 5200 RPM इसकी टॉप स्पीड होती है। तो यह 320 GB की है। तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद इसको खोलकर बताऊंगा इसके अंदर होता क्या है। तो गाइस, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो गाइस, इसमें देखेंगे हम ये जो है 12 वोल्ट DC से और 5 वोल्ट DC दोनों से ऑपरेट हो जाती है। तो गाइस, इसमें कुछ इसके पावर सप्लाई का इसमें डायग्राम दिया हुआ है, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इस डायग्राम की मदद से आप इसमें प्लग इन कर सकते हैं। तो गाइस, इसको साटा भी बोला जाता है। इसका 8 MB कैश है और इसकी कोडिंग ये है, इसका QR कोड कुछ इस तरीके से है। तो अगर आप इसको स्कैन करते हैं तो इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो गाइस, इसके काफ़ी एडवांटेज माने गए हैं। तो यह एक, तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों, इसके अंदर एक डिस्क होती है जो घूमती है, जिसमें डाटा स्टोर होता है। तो कई बार क्या होता है कि हार्ड डिस्क हमारे हाथ से अगर गिर जाती है या किसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा मूवमेंट कर देते हैं तो इसके अंदर एक हेड होता है जो टूटने की वजह से हमारी हार्ड डिस्क क्रफ्ट हो जाती है। तो गाइस, आजकल इसी हार्ड डिस्क को अपग्रेड करके SSD हमारे यूजिंग में आने स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज, अभी हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क तो हमें 2000 से 3000 के आसपास में मिल जाती है, लेकिन आजकल डाटा स्टोर करने के लिए एक इसी की तरह एक SSD मिल रही है। दोस्तों, वह रैम की तरह बिल्कुल स्टोरेज उसी के अंदर होता है, उसमें कोई मोटर वगैरह नहीं होती और उसका कोई राउंड पर मिनट का हिसाब नहीं होता, वह एक चिप बेस में पूरा वर्क करती है। तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर अगर परचेस करते हैं तो उसमें SSD ही डलवाइए, भले ही वो थोड़ा सा आपको महंगी पड़ जाती है, लेकिन उसकी जो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वह इसके मुकाबले काफ़ी इम्प्रूव आपको उसमें मिलेगा। और एक ख़ास बात SSD की होती है, और जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है और कंप्यूटर खोलने में कितना टाइम लगाता है वह इसी पर डिपेंड करता है। तो गाइज, अगर आप SSD को परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। और यह है फिलहाल HDD, तो इसका ऑपरेशन करते हैं और उसको खोलते हैं, इसके अंदर होता क्या है इस बारे में आपको बता दूं। बाकी अगर आप HDD और SSD के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं तो इसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो गाइज, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उस बारे में एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दूंगा। तो चलिए, अभी इसका ऑपरेशन करने के लिए मुझे ये सारे स्क्रू वगैरह खोलने पड़ेंगे। तो जल्दी से, वीडियो लंबी ना हो, मैं इसको पाउच करके स्क्रू इसके खोल लेता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें सारे इम्पोर्टेड स्क्रू लगे हुए हैं, आपको इसके लिए भी एक स्पेशल टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको अलग से एक परचेस करना पड़ेगा। तो वो स्टार के आकार के होते हैं, तो ऐसा एक किट मिल जाती है, उसी के अंदर आपको सारे स्क्रू ड्राइवर मिलते हैं, उसी की मदद से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं खोल लेता हूँ।
तो गाइज अगर आपके पास यही वाला हार्ड डिस्क ड्राइव है तो इसमें एक बीच में भी स्क्रू होता है, इसको आपको इसके लिए इसको खोलने के लिए आपको एक स्टिकर हल्का सा फाड़ना पड़ेगा और यहाँ पर से इसको बंद कर लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको खोल चुका हूँ और इसके अंदर कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। ये पहले इसकी बात कर लें, यह एक वाइपर की तरह काम करता है, तो अगर इसमें कोई कचरा वचरा आ जाता है तो यह साफ करके अपनी ओर को इसको एक्सेप्ट कूड़े को ये सॉरी डस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और इसको क्लीन कर लेता है। तो गाइज अब चलते हैं इसके अंदर के पार्ट में, चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो चलिए ये हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो आप देखेंगे यह बिल्कुल मिरर की तरह बिल्कुल कितना साइन कर रहा है। इसमें मेरे हाथ की परछाई भी आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए दोस्तों कितना यह क्लीन है। तो हमारा जो डाटा स्टोर रहता है इसी के अंदर रहता है। तो मोटर जब हम इसमें प्लग इन करते हैं, इसका जो इनपुट करंट जो 12 वोल्ट करीब इसमें जो इनपुट होता है और डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है, वो प्लग इन करने के बाद यह घूमता है। तो दोस्तों यह इतनी स्पीड से घूमता है कि इसकी स्पीड 5200 राउंड पर मिनट होती है, जिसे हम आरपीएम भी कहते हैं। तो गाइज यह घूमता है और इसमें ये इसको बोलते हैं हेड। तो यह हेड इसके ऊपर आता है और यह बिल्कुल इस तरीके से मूवमेंट करता है। अगर ये ऐसे मूवमेंट करता है तो इसका देखिए, हमें जो सपोज हमने कुछ डाटा स्टोर इस जगह पे किया हुआ है तो हमने किया हुआ है तो अगर इसका डाटा इस जगह पे सेव है तो मूवमेंट करते हुए इस जगह पर वो आ जाता है। जैसे छोटी सी अगर आसान भाषा में आपको बताऊँ तो इसमें कुछ प्लेट्स होती हैं, उस जगह पर डाटा हमारा स्टोर होता है। तो गाइस ये बिल्कुल आपने इसका जो आपने देखा होगा हमारे पास DVD या CD पहले रहती थी, बिल्कुल उसी तरीके से यह घूमते हुए अब डाटा को हमारा इनपुट एक्सेप्ट भी करता है और हमें देता है जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है। तो गाइज इसको बोलते हैं हम जिसको हम डाटा स्टोर करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लेट। तो दोस्तों इसका नाम तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इसको प्लेट करके ही बोलते हैं जितना मुझे पता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हेड, जो ये वाला हमारा मूवमेंट करता है इसको बोलते हैं हेड। कभी कभी देखा होगा आपने, आप कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क के अंदर से कुछ कट 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 सी आवाज़ आने लग जाती है। दोस्तों उसका सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता है वो हेड का ही होता है। तो कभी कभी हार्ड डिस्क वगैरह ख़राब हो जाती है, हम क्या करते हैं हार्ड डिस्क को उतार कर नई वाली हार्ड डिस्क डाल लेते हैं। दोस्तों यह रिपेयर हो जाती है। अगर आपके पास थोड़ा नॉलेज है, अगर आप इसको थोड़ा कुछ सीखना चाहते हैं या आप अगर प्रैक्टिकल करने के शौकीन हैं तो आप इसको खोल कर इसके हेड को चेंज करके आप बिल्कुल अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, जो कटकट की आवाज़ आती है उसका हेड जो आगे से नोक होती है वो टूट जाती है, इसकी वजह से यह ऐसे इस तरीके से कटकट कटकट करने लग जाती है। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल इसी तरीके से वो कटकट करने लग जाता है। तो गाइस यह मूवमेंट जो करता है वो है एक मैग्नेट की वजह से करता है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक यहाँ पर पट्टी रहती है, उसी की वजह से यह मूवमेंट करता है। तो गाइस आपने देख लिया होगा कि एक हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसको जो घुमाने का काम करती है, इसके अंदर एक मोटर होती है, जो मोटर जो में जो करंट पास होता है इस पत्ते से करंट पास होता है और इस जगह पर मोटर हमारी लगी रहती है। और गाइस ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है मदरबोर्ड होता है, जो इसकी जो इसको जो मैसेज देने का काम करता है ये मदरबोर्ड करता है। तो यहीं से यह इसको संदेश देता है कि इसको किस जगह पर डाटा स्टोर करना है, कितना मूवमेंट करना है, यह सब इसको यह मदरबोर्ड आदेश देता है। तो गाइज आप खुद एक हार्ड डिस्क ड्राइव को रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइज इसमें ये जो प्लेट होती है ये कभी ख़राब नहीं होती है, और ये वाला हिस्सा हो सकता है मदरबोर्ड पर कहीं पर शॉर्टिंग आ जाए, लेकिन जो पहला फॉल्ट अक्सर ज़्यादातर हमारे हार्ड डिस्क में होता है वह इसी का फॉल्ट आता है, जो या इसका जो हेड होता है उसी का फॉल्ट आता है। तो देखिए एक चीज़ मुझे आज बड़ी चीज़ आपको मैंने सिखा दी, जो हमारा हार्ड डिस्क हमारी ख़राब होती है उसका डाटा हम कभी भी रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों जो डाटा स्टोर होता है आपको बता दिया इसी के अंदर होता है और ये कभी ख़राब नहीं होती है। आप हार्ड डिस्क को बना सकते हैं और अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि हार्ड डिस्क के अंदर होता क्या है। इसी तरीके से मेरे पास एक दूसरी हार्ड डिस्क भी है, बिल्कुल इसके अंदर भी वही है। पहले मैं इसके प्रैक्टिकल कर चुका था, उसी के बाद आपको दूसरी हार्ड डिस्क मैंने दिखाने के बाद आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो दोस्तों कोई भी हार्ड डिस्क आप लीजिए, यह दूसरी कंपनी की है और यह WD कंपनी की है, यह ख़राब नहीं है, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल करने के दौरान ये ख़राब हो चुकी है, इनको फिर से मैं रिपेयर कर सकता हूँ। अगर गाइस आप इसको रिपेयरिंग की वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो फिर मुझे इस पर भी कमेंट
कीजिए। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि एक हार्ड डिस्क के अंदर होता क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलता हूँ कल एक नए ज़बरदस्त टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।